हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू लर्थ एजुकेशन। और आज बहुत समय के बाद में आपका नया वीडियो आया है और हम आपका प्रोस भी कंप्लीट कराएंगे बहुत जल्दी, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला था। और इसके बाद में आपके सोनेट, एलिजी वगैरह ये भी शुरू होंगे। अभी हम आपके काम में लग रहे थे। अभी आपका ऑनलाइन कोर्स आप लोगों ने भी परचेस करा ही होगा, और अगर किन्हीं को कोई बच गया है, अगर ऑनलाइन कोर्स परचेस नहीं किया है तो वो कर सकते हैं। हम इंग्लिश ग्रामर का जो आपके वर्ग एक में आ रही है 50 नंबर की टोटल ग्रामर आएगी आपके, 40 नंबर की उधर, 40 से 50 नंबर की और 7-8 नंबर की इधर, मतलब यूँ समझ लीजिए कि 58 नंबर की ग्रामर आएगी, 58। इसके लिए हमने एक वीडियो कोर्स शुरू करा है जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, फिर आपको शीट सॉल्व कराई जाएगी, फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा। इस तरीके से आपका पूरा ग्रामर का सेशन कंप्लीट करवाया जाएगा बहुत ही कम समय में, ओनली 30 डेज़ में। अब आपके पास समय कम बचा है तो आपको इतने कम समय में हम कोर्स करवाएंगे, मतलब कि आपको दिन में 1.5 से 2 घंटे की क्लास मिलेगी, ठीक है। तो ये ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन अगर आप में से कोई बचा है तो 9685 90 17 49 इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आप लिखें ज्वाइन, तो आपको क्लास जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसका चार्ज है 1500 रुपये मात्र, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ही मैसेज करें, ठीक है। मैंने आपको चार्ज यहाँ पर बता दिया है और आपको क्लास बिल्कुल परफेक्ट वे में मिलेगी। चलिए हम शुरू करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म जो है ये हुआ था 1770 में, 7 अप्रैल 1770, और ये हुआ था इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड में जगह का नाम याद रखना आप, कॉकरमाउथ और चैम्बरलैंड, ठीक है। तो ये जगह है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और 7 अप्रैल तारीख याद रखना, 7 अप्रैल 1770, इसमें 3 7 आ रहे हैं, देखो 1 2 3, ठीक है। तो 7 अप्रैल 1770, और इनका इनकी ये जो इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1850, एज 80, एट द एज ऑफ 80, है ना। और ये हुई थी रेडल वेस्टर वेस्टमॉरलैंड इंग्लैंड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। इसके बाद में ये इनका फ़ोटो देखिए। आगे अगर बात करें तो इन्होंने बहुत सारे कोर्स दिए थे, तो हम एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं। तो पहला था द बेस्ट पोर्शन ऑफ गुड मैंस लाइफ, हिज लिटिल नेमलेस अनरिमेंबर्ड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड लव। द बेस्ट पोर्शन ऑफ अ गुड मैंस लाइफ, कोई भी एक अच्छा आदमी होता है उसके जीवन का सबसे अच्छा पार्ट जो होता है, अच्छा पोर्शन जो होता है, वो होता है कि जब वो किसी की मदद करता है, किसी को लव करता है, काइंडनेस, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। जैसे कि मान लीजिए कोई, अभी ठंड का मौसम चल रहा है और कोई आदमी है रास्ते में बैठा है और उसके पास ओढ़ने को कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे केस में अगर मैं कहीं से शॉल खरीद के और उसे मैं गिफ्ट करता हूँ या उसे मैं देता हूँ, तो ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा था कि सबसे अच्छा समय वही होता है, क्योंकि उस समय आपको एक अजीब सी खुशी मिलती है जब आप किसी को कुछ देते हैं, तो अजीब सी खुशी मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल रिवाज अलग है, लोग केवल लेने में विश्वास रखते हैं, देने में विश्वास नहीं रखते हैं। मतलब अधिकतर लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको केवल हर चीज़ जो है वो चाहिए कि फ्री में मिल जाए, तो फ्री में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी आदत पड़ जाती है और ज़िंदगी भर हमारा ध्यान केवल फ्री की चीज़ों पर ही जाता है। बस ऐसी चीज़ें ढूंढेंगे आप जो फ्री मिल जाए। तो हमेशा कोई भी चीज़ लीजिए तो पेड कीजिए उसके लिए, ताकि आप उसको, आपकी एक आदत पड़े पे करने की, क्योंकि पे वही कर पाएगा जो कमाने की क्षमता रखता है। तो अगर आप पे करते हैं तो आपको कमाने की क्षमता, मतलब आपके अंदर कमाने के नए नए आइडियाज़ आएंगे कि मुझे कमाना कैसे, ठीक है। तो फ्री का कभी भी अपने को नहीं ढूंढना चाहिए। तो ये इस तरीके से इन्होंने बताया है कि ही इज़ लिटिल नेमलेस अनरिमेंबर्ड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड लव, ठीक है। फील योर पेपर विद द ब्रीदिंग्स ऑफ योर हार्ट। देखिए, आपका जो फील योर पेपर विद द ब्रीदिंग ऑफ योर हार्ट, आपका पेपर से मतलब यहाँ पर क्या है कि आपके मन में सभी व्यक्तियों के लिए मतलब एक तरह से दया होनी चाहिए, ठीक है। ब्रीदिंग ऑफ योर हार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी का आपको अच्छा सोचना चाहिए। विजडम इज ऑफ टाइम्स नियरर When we stoop, देखिए wisdom जो होती है, wisdom का मतलब क्या होता है पता है, बुद्धि होता है wisdom का मतलब, is of times nearer when we stoop, मतलब कि जो किसी भी चीज़, वो एक तरह से बोलते हैं ना कि अक्कल कब आती है, ठोकरे खा खा के आती है ना। अक्कल बादाम खाने से नहीं आती है, अक्कल ठोकरे खाने से आती है। Though nothing can bring back the hour, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत बार आता है। दो नथिंग कैन ब्रिंग बैक द आर, आगे आई वेंडर्ड लॉन्ली एज अ क्लाउड, ये भी अच्छा कोट है, ये भी इन्होंने दिया था।
तो आई वेंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, बादलों की तरह मैं इधर उधर भटकता फिरता हूँ. कोट्स इन इमेजेस, द फ्लावर्स दैट स्मेल द स्वीटेस्ट इन शाय एंड लवली. द फ्लावर दैट स्मेल्स द स्वीटेस्ट इज शाय एंड लवली. अगला है कम फोर्थ इन टू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर. कम फोर्थ इन टू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर. एक नेचर से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. और बताता हूँ, टू बींग बींग, ये भी इन्होंने दिया था, है ना. टू बींग, टू बिगिन बिगिन, मतलब शुरुआत आपको करनी चाहिए किसी भी काम की. द ओशियन इज अ माइटी हार्मोनिस्ट. What we need is not the will to believe but the wish to find out. मैं पढ़ता जाता हूँ, आप देखते जाइएगा. ये PDF मैं आपको पहुँचा दूंगा. Fill your paper with the breathing of your heart, हमने पहले पढ़ लिया था. अब देखिए इनकी फेमस बुक कौन कौन सी है. I wandered lonely as a cloud, मैं पंछी बनूँ उड़ता फिरूँ मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में. तो वो वाला गाना है, उस प्रकार से आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये बुक जो थी इनकी. इसके बाद में आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड इज़ अ लिरिक पोइम बाय विलियम वर्ड्स. विलियम वर्ड्स की लिरिक पोइम है. इट इज़ वर्ड वर्ड्स मोस्ट फेमस वर्क, ये इनका सबसे फेमस वर्क था. द पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाय एन इवेंट ऑन 15 अप्रैल 1802 इन विच वर्ड्स वर्थ एंड हिज सिस्टर डॉरोथी केम अक्रॉस अ लॉन्ग बेल्ट ऑफ डेफोडिल्स. ठीक है, तो ये जो पोइम थी ये इन्होंने, ये इससे इंस्पायर हुए थे इसको लिखने के लिए 15 अप्रैल 1802 में. ठीक है, जब उनकी सिस्टर के साथ में वो लॉन्ग बेल्ट से आए थे ऑफ डेफोडिल्स. ओरिजिनल पब्लिश हुई थी 1807 में. ऑथर इसके विलियम वर्ड्स. ओरिजिनल लैंग्वेज इसकी लैंग्वेज इंग्लिश. द प्रेल्यूड, द प्रेल्यूड जो है अगली बुक है. द प्रेल्यूड और ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड एन ऑटोबायोग्राफी पोइम इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोइम इन ब्लैंक वर्ड्स बाय द इंग्लिश पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ. ओरिजिनली पब्लिश 1850. ठीक है, और ऑथर इसके विलियम वर्ड्सवर्थ, और ओरिजिनल लैंग्वेज इसकी क्या है, इंग्लिश. लिरिकल बैलाड्स, लिरिकल बैलाड जो है विथ अ फ्यू अदर पोएम्स इज अ कलेक्शन पोएम बाय विलियम एंड सैमुअल टेलर. ठीक है, कॉलरिज फर्स्ट पब्लिश इन 1798 एंड जनरली कंसिडर टू हैव मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट इन लिटरेचर. ओरिजिनली पब्लिश 1798. ऑथर विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर एंड जेनर पोएट्री. अगली बुक थी इनकी, बस ये सारी इनकी बुक हो गई है. ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. और भी राइटर आपके बचे हैं तो धीरे धीरे सारे राइटर कवर हो जाएंगे. ठीक है, इसके बाद में आपके सोनेट वगैरह सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा. तो ऑनलाइन क्लास आप ज़रूर लें ताकि आपको ग्रामर में तो कम से कम फ़ायदा हो जाए. और लिटरेचर तो मैंने पूरा यूट्यूब पे बना ही दिया है, और बाकी के जो बचेंगे वो भी आपके यूट्यूब पे आ जाएंगे स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी. धन्यवाद. ये PDF मैं आपको पहुँचा दूँगा. ठीक है, ताकि आपकी स्टडी में कोई दिक्कत नहीं आए. थैंक यू वेरी मच.